हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बनाएंगे स्क्वायर शेप बकेट पर्स। उसके लिए मैंने 12 mm के पर्ल्स लिए हैं, 250 ग्राम अप्रॉक्स लिए हैं और 0.7 mm की वायर है। इसको अपने हैंड्स में से 30 टाइम्स करके लपेट के लेना है, फिर कट कर लेना है, मतलब हमें वायर कितनी लेंथ चाहिए। फिर हमें एक चार पर्ल्स का एक सर्कल बनाना है, तो 3 पर्ल्स लेफ्ट में और 1 पर्ल्स राइट में लेके लेफ्ट वाले पर्ल्स से क्रिस क्रॉस करा देना है। इस पर्ल में से हम क्रिस क्रॉस करा लेंगे इसको और कुछ ऐसा फ्लावर्स बन जाएगा। अब हमें इसके ऊपर एक और फ्लावर बनाना है। उसके लिए हम 2 पर्ल्स डालेंगे लेफ्ट में, 1 पर्ल डालेंगे राइट में और जो लेफ्ट वाला पर्ल है उसमें से हम इसे क्रिस क्रॉस करा देंगे। ये हमारा कुछ ऐसा लगेगा। ऐसे हमें 2 और बनाने हैं, यानी कि ये टोटल 4 फ्लावर्स हो जाएंगे। ऐसे हमें 2 और बनाने हैं। आप चाहे तो इस प्रोसेस को देख सकते हैं या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैंने ये प्रोसेस इसलिए डाला है, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता तो मैंने डाल दिया है। ऐसे 4 बनाने के बाद फिर जो लास्ट वाला है हम इसको दूसरी साइड लेके जाना है हमें, तो 3 हम लेफ्ट में डालेंगे और जो उसका थर्ड पल है उसमें से क्रिस क्रॉस करा देंगे। तो इस तरह हमारा इधर की साइड आ जाएगी इसकी थ्रेड वायर और फिर उसके ऊपर बनाना है हमें। उसमें भी हमें 3 लेफ्ट में रखने हैं और फिर राइट वाले धागे से क्रिस क्रॉस करा देना है। तो इस तरह से फ्लावर बन जाएगा, थ्रेड हमारा इस तरफ आ जाएगा। फिर जो उसके बराबर में एक पर्ल होता है हमें उसमें से निकाल लेना है। ऐसे इस पर्ल में से निकाल लेना है हमें। अब हमारे पास 2 पर्ल तो हो गए फ्लावर के लिए। अब हम इसमें 2 पर्ल डालेंगे लेफ्ट वाले में और राइट वाले धागे से इसको क्रिस क्रॉस करा देंगे। ऐसा हमें बिल्कुल लास्ट तक करना है। ये देखिए हमारा कुछ इस तरह लगेगा। इसको बीच बीच में टाइट जरूर करते रहना है। अगर हम वायर को बीच बीच में टाइट नहीं करेंगे ना तो ये लूज हो जाएगा। इसके बराबर वाले पर्ल्स में डालेंगे। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगी, पहले हमें छोटे प्रोजेक्ट हाथ में लेने चाहिए। पहले हम छोटे छोटे से बनाएंगे, उसमें हमें अपनी गलतियाँ और मिस्टेक्स पता चलेंगी, तो फिर हमें अपने बड़ा प्रोजेक्ट लेना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में ना आए या कुछ भी पूछना हो तो आप मुझको कमेंट बता दीजिए, मैं आपको पर्सनली मैसेज करके चैट बॉक्स में रिप्लाई करके आपको उसका सॉल्यूशन दूंगी। तो इस तरह से हमें इसको ऐसे बना लेना है। लास्ट वाले पर्ल में भी ऐसे कर लेना है। अब 2 पर्ल लेंगे इसमें, इसके ऊपर से हमें दूसरी तरफ लेके जाना है। तो हमें इसमें राइट वाले में 3 पर्ल डालेंगे और लेफ्ट वाले से हम इसको क्रिस क्रॉस करा देंगे, क्योंकि हमें दूसरी साइड इसको लेके जाना है थ्रेड को ऐसे। इससे पहले मैंने एक राउंड शेप का पर्स बनाया था, उसमें मुझे मेरी मिस्टेक पता चली। जो उसमें मैंने वायर ली थी ना वो पतली रह गई थी, तो उस वजह से वो काफ़ी सॉफ्ट बन गया था। इसलिए मैंने इस वाले पर्स में एक मोटी वायर बनाई है। तो ऐसे छोटी छोटी गलतियों से हमें पता चलता है, तो हम अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इसको नहीं होने देते। तो इस तरह से हमने इसकी एक और ऊपर लेयर बना ली। ऐसे हम 4 लेयर बना लेंगे, 4 फ्लावर की 4 लेयर बना लेंगे। ऐसे हम सेम लेयर हमें इसके ऊपर बनानी है। इस प्रोसेस को आप देख भी सकते हैं और थोड़ा बहुत 10-15 सेकंड का आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ऐसे लेना है, फिर इसके बराबर वाले पर्ल में से निकालना है। ऐसे इसको चारों तक बनाना है। ऐसे ये लास्ट तक बनने के बाद स्क्वायर शेप का कुछ इस तरह से दिखेगा। 4 पर्ल सर्कल का 4 लेयर्स बना लिए, तो हमारा स्क्वायर शेप कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें इसके ऊपर शुरू करना है बनाना, तो उसके लिए हमें 3 पर्ल्स लेने हैं लेफ्ट में और राइट वाले पर्ल्स हमें क्रिस क्रॉस करा देना है। उसको टाइट करना है, मैं बार बार बोल रही हूँ टाइट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये लूज़ हो जाएगा आपका और ये प्रॉपर शेप नहीं देगा। फिर इसके बराबर वाले पर्ल में से निकाल लेना है और सेम प्रोसेस वही रखना है। फिर 2 पर्ल हमारे पास आ चुके हैं, इसमें 2 पर्ल ऊपर डालेंगे, जो कि इस तरह से लूज हो जाएगा अगर हम नहीं छोड़ेंगे इसको, बीच बीच में टाइट करना छोड़ देंगे। अब हम टाइट कर रहे हैं तो ये ऊपर सीधा खड़ा हो गया, यानी हम इसके ऊपर की तरफ बना रहे हैं। 2 पर्ल डाले और फिर इसमें से एक पर्ल में से क्रिस क्रॉस करा देंगे, इस तरह से बन जाएगा।
ये बन जाएगा। अब हम इसके लास्ट तक पहुंच जाएंगे इसे बनाते बनाते। अब हम लास्ट वाला बनाते हैं, दो पर निकाल लिए इसमें से ऐसे, फिर क्रिस क्रॉस करा दिया ऐसे। अब हमें क्या करना है, हम इसके ऊपर की तरफ बना रहे हैं ना, तो जिसको सब साइड वाला पर्ल है उसमें से भी हम इसे निकाल लेंगे। अब हमें उसको नहीं बढ़ाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, अब हम इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो इसके साइड वाले पर्ल में से भी हम इसको निकाल लेंगे। ये बीच बीच में ज़रूर टाइट करते रहिएगा, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी ये गलती हो गई थी, मैं बीच बीच में टाइट नहीं कर रही थी, तो ये काफ़ी लूज़ हो गया था, शेप नहीं दे रहा था प्रॉपर। कॉर्नर्स वाले में पर्ल में से निकालने के बाद फिर वही प्रोसेस है, दो पर्ल लेंगे और उसको लास्ट वाले पर्ल में से निकाल लेंगे ऐसे। ऐसे हमें चारों तरफ करना है, पूरे चारों तरफ कर लेंगे। अब हम लास्ट तक पहुंच जाते हैं, ये देखिए अब हम लास्ट तक पहुंच गए, तो ये कुछ इस तरह लगेगा हमारा, साइड से, नीचे से, बेस से। अब लास्ट में हमारे पास तीन पर्ल आ गए, एक दो तीन तो इसके बराबर वाले दो पर्ल में से हम अपनी वायर निकाल लेंगे ये, और एक पर्ल से क्रिस क्रॉस कराएंगे बस। देखिए एक पर्ल में से निकाला और ये दूसरे पर्ल में से मैंने इसको निकाल लिया। तीन पर्ल हो गए हमारे पास और एक पर्ल डालेंगे और उसमें से हम क्रिस क्रॉस कराएंगे। इस तरह से दोनों धागों को पकड़ के रखेंगे ना तो इक्वल रहेंगे, अगर हम दोनों धागों को नहीं पकड़ेंगे तो एक छोटा हो जाएगा एक बड़ा हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर का भी सेम प्रोसेस इसी तरह लेंगे, थ्री पर्ल्स हम लेफ्ट वाले में डालेंगे और राइट वाले से क्रिस क्रॉस करा देंगे, तो इसके ऊपर की एक और लेयर तैयार हो जाएगी, इस तरह से बन जाएगा। और फिर इसके बराबर वाला जो पर्ल है इसमें से हम इसको निकाल लेंगे और उसको पूरा कर लेंगे ऐसे, इसमें से निकाल लिया। और फिर वही दो पर्ल लेके इसको क्रिस क्रॉस करा देना है ऐसे, हमें पूरा स्क्वायर बनाना है। और जितनी लंबी आपको इसकी लेंथ रखनी है उतनी लंबी आप रखिएगा। देखिए स्क्वायर इस तरह से बन जाएगा, ये मैंने अपनी छोटी सी क्लिप डाली है, तो हमारा इस तरह से एक बकेट शेप, स्क्वायर बकेट शेप ये रेडी हो गया। मैंने इसके कम से कम 5 या 6 लेयर बनाई है। अब हमें इसका हैंडल बनाना है, तो हैंडल के लिए मेरे पास वायर कम पड़ गई थी, तो मैंने इसको यहाँ पे दो नोट लगा के इसको कट कर लेंगे हम वायर को, ऐसे दो नोट लगाए इसमें और टाइट लगानी है बिल्कुल नोट एकदम। ऐसे दो नोट लगाने के बाद जो तो दोनों वायर है इसके बराबर के, इसके नीचे वाले जो तीन पर्ल्स हैं उसमें से हमें निकाल के कट करना है, दोनों वायर को इसके नीचे वाले तीन पर्ल में से निकाल के हमें कट करना है। आप इसमें प्रोसेस देख लीजिए, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरह से करना है। ये एक वायर निकाली, अब ऐसे हम दूसरी वायर भी इसमें डाल रहे हैं। इससे क्या होता है कि जो छोटी वायर है ये दिखाई नहीं देती ऊपर, दोनों वायर हम निकाल लेते हैं। टाइट जरूर करते रहिए बीच बीच में, दोनों वायर निकालने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। अब देखिए हमारा बकेट कितना सुंदर लग रहा है और प्रॉपर शेप में आ रहा है, बिल्कुल प्रॉपर शेप में आ रहा है। अब हम इसमें हैंडल बनाएंगे बिल्कुल मिड में से, उसके लिए मैंने 0.3 mm की वायर ली है। आप इसी जो पहले वायर यूज़ कर रहे थे उसी वायर से भी बना सकते हैं, पर मैंने आज इस वायर से बनाया है। इसको हम ऐसे जहाँ से हमें बनाना है उसके बीच में से निकाल लेंगे और हल्का सा ट्विस्ट कर देंगे, टाइट हो जाती है। हल्का सा ट्विस्ट करने के बाद मैंने इसमें 11 पर्ल्स डाले हैं, 11 पर्ल्स डालने के बाद लास्ट में एक नोट लगा दिए हैं जिससे वायर आगे पीछे ना हो। और इसको भी उसी सेम पर्ल में से नीचे निकाल लेना है दूसरी तरफ, बिल्कुल मिडिल में रखना है ये चीज़, ऐसे इसको निकाल लेना है। एक वायर इधर की तरफ आ जाएगी और एक वायर दूसरी तरफ चली जाएगी, जो जो हमारा बीच में सर्कल बन रहा है इसमें से, ये एक वायर हम दूसरी तरफ ले लेंगे। अब इन दोनों वायर को हम आपस में नोट लगा देंगे, दोनों वायर आ गए, एक नोट, इसको प्लायर से खींच के अच्छे से टाइट कर लेना है हमें,
ऐसे कर लिए। अब देखिए दोनों तरफ से अच्छे से टाइट करके पाए को खींच लेना है, ये खुलती नहीं है। अब इसको कट कर लेना है। अब ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। पहले आप एक दो ये छोटे प्रोजेक्ट बनाएंगे ना तो आपको इसमें अपनी मिस्टेक पता चल जाएगी, क्या मिस्टेक हो रही है। ये देखिए अब छोटी सी मैंने इसमें अपनी क्लिप डाल दी है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। थैंक यू, राधे राधे।